कम से कम हाँ दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर मुझे लगता है मेरी अपनी एक वो असेसमेंट जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं हमें। बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी, लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है और कांग्रेस की ओर देख भी रहे हैं कि कांग्रेस एक अच्छा वायबल ऑल्टरनेटिव है, जो पिछले 10 साल का जो हरियाणा को पीछे ले गए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा उससे अब विपरीत हो और लोगों की सरकार बने और हर वर्ग को लगे कि उसकी सरकार है। मैम, क्या मेन फैक्टर आपको लगता है, क्योंकि 10 साल के बाद कांग्रेस की वापसी हरियाणा में रहेगी, तो क्या आपको लगता है सबसे बड़ा इशू जो इलेक्टोरेट के साथ क्लिक किया, क्योंकि संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनावों में बहुत चला था, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा रहा या एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी? दोनों चीजें, कई चीजें हो जाती हैं। एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी का एक ये भी मुद्दा था कि खास तौर से जो वीकर सेक्शन है उसको लगा कि किसी न किसी तरह से ये हमको दबाने का प्रयास करेंगे। लोकसभा में आपने देखा, विधानसभा में और इश्यूज भी बहुत आ गए जो राज्य में, जैसा मैंने कहा, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे जो हमारा गरीब तबका है, शोषित वर्ग है, उनको लगा कि हमारे से कोई सरोकार नहीं है, जो किसान है, मजदूर है, उनको सब पीछे, आपने देखा कि सब नाराज हो रहे थे। और नाराज क्यों हो रहे थे? क्योंकि गलत पॉलिसी। और एक चीज और भी थी कि भाजपा के साथ कभी कोई कनेक्ट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं रहा आम लोगों का। और इसके ऊपर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए क्योंकि जमीन पर काम कर रहे, हमारे वर्कर जमीन पर काम कर रहे, सही मैसेजिंग कर रहे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो स्रोत रहा वो जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उस समय से कांग्रेस पार्टी को भी और लोगों में भी एक नई उम्मीद आई और कांग्रेस पार्टी को एक नई ऊर्जा मिली। हमारे वर्कर, जो कितने वर्कर राहुल जी से मिले भी, यात्रा में शामिल हुए, तो एक ऐसा कॉमन ग्राउंड मिला कि हमारा नेता हमारी बात कर रहा है, तो उससे माहौल देश में भी माहौल बदला और हरियाणा में डेफिनेटली माहौल। उसके मुताबिक आपकी सरकार बन रही है, क्या रोल कुमारी शैलजा जी का इस सरकार में रहेगा, क्योंकि बार बार खासतौर से आपकी कम्युनिटी हो या लाजल एक वो भी था कि एक दलित सीएम भी हरियाणा को मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि जब सरकार बनेगी तो ये कंसेशन होगा? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है एक महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस्ड। देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये सब बातें हाईकमांड को ही कंसिडर करना होगा, वो ही देखेंगे और वो अपने विवेक से फैसला लेंगे। सारी चीजें हैं और हर पहलू को, मुझे विश्वास है कि हाईकमांड इन सब पहलुओं को देखेगा। मैम, एग्जैक्ट डेटा आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जो एग्जिट पोल है उसमें दिखा रहा है कि 50 से 60 के बीच का नंबर आप लोगों को मिल रहा है, आप एग्जैक्ट कौन सा नंबर आप बताना चाहेंगे कि जो आपके मुझे 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 लगता है कि 60 से ज्यादा आना चाहिए। मैम, मुख्यमंत्री बहुत सारे कंटेंडेंट्स हैं, आपने कहा सब कम्युनिटीज में वोट किया, दलित कम्युनिटी के लिए बीएसपी भी आ गई, आजाद समाज पार्टी भी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक इंटैक्ट रहा कांग्रेस के साथ। जी जी, दलित कांग्रेस का पहले भी हमेशा रहा, बीच में कुछ कारण हुए कि जो पिछले दो तीन अरसों से, दो एक समझ लीजिए दो चुनाव हुए, हमारे से थोड़ा दूर हुआ, मतलब कांग्रेस पार्टी से दूर हुआ, लेकिन अब फिर दलित कांग्रेस की तरफ आया है। कि ये स्टडीज भी बता रही हैं कि दलित कांग्रेस की ओर मेजर सबसे ज्यादा, बल्कि एक स्टडी ने तो ये भी बताया कि उन्होंने कई कम्युनिटीज का कंपेयर किया और कंपेयर करते हुए कि किसी भी सिंगल कम्युनिटी में सबसे ज्यादा टर्न अराउंड कांग्रेस की तरफ हुआ है तो वो दलित का हुआ है। मैम, क्या इस आस में दलित
वोटर्स निकलकर आए हैं कांग्रेस के सपोर्ट में, कि एक चेहरा आपके रूप में देख रहे हैं कि शायद पहली बार एक दलित लीडरशिप आपके रूप में मिले राज्य को, आपको लगता है क्या एक वो बड़ा फैक्टर रहा आपका नाम आपका चेहरा हरियाणा की राजनीति में? देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं, लीडरशिप मांगते हैं, एक सिंबल भी होता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं कहूंगी कि दलित हमारे वोटर बड़े समझदार हैं, और केवल दलित नहीं सभी समझदार हैं, बदलते वक्त को देखते हैं, पहचानते हैं, अब पहले वाली बात भी नहीं रही दलित वोटर में, जो पहले होता था कि चलो किसी ने कह दिया तो चले गए, अब खुद सोचने और खास तौर से जो नई जनरेशन है, एस्पिरेशनल जनरेशन है सारी जनरेशन जनरली, लेकिन दलित भी एस्पिरेशनल। लेकिन उसी सवाल से जुड़ा सवाल है, अगर पार्टी लीडरशिप आपको मौका देती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो आपकी प्रायोरिटी हरियाणा के लिए क्या होगा? देखो ये बातें बाद की हैं, अभी हमको फैसला, पार्टी को फैसला करना है, और प्रायोरिटी तो हमारी वही है कि सबकी वही होनी चाहिए, पार्टी की प्रायोरिटी यही है कि हमको यूथ की ओर देखना है, हमें गरीब से गरीब की ओर देखना है, हमको हर सेक्शन को ये महसूस कराना है कि आप कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के परिवार का हिस्सा हो। कांग्रेस का मतलब है हमारी विचारधारा जो लोगों को जोड़ती है, और सबके लिए ये खोखले नारे नहीं, सबका साथ सबका विकास, ना किसी को साथ लिया ना किसी का विकास किया, सही मायने में लोगों को छत्तीस बिरादरी को लगना चाहिए कि ये हमारी सरकार है और छत्तीस बिरादरी के लिए काम होना चाहिए, समस्त हरियाणा के लिए काम होना चाहिए। मैम नायब सिंह सैनी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में क्षेत्रवाद कांग्रेस ने किया, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं, और कांग्रेस के कार्यकाल को याद दिला रहे हैं कि उस दौरान जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो सिर्फ क्षेत्रवाद और परिवारवाद हावी था, भारतीय जनता पार्टी जब आई तो उसने विकास की राजनीति वहां पर की। देखो अगर ये सब बातें, खुद सैनी साहब को इतना समय नहीं मिला है तो मैं समझती हूं कि अब तो ये सारी बातें इतिहास हो गई हैं, परसों नतीजा आ जाएगा और साफ पता चल जाएगा कि उनकी बातों में कितना क्या दम था, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है और कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम रिपोर्ट हैं, बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी और 8 तारीख को जनता कांग्रेस को जवाब देगी और कांग्रेस ये कहेगी कि ईवीएम खराब है। इसी में मैंने जुड़ा हुआ सवाल है, अनिल विज साहब ने कहा है कि हुड्डा साहब के सीट पर 5% मतदान कम हुआ है, इससे ये जाहिर होता है कि हुड्डा साहब को जनता ने नकार दिया है। देखो इस तरह की बातें 8 तारीख तक ना कुछ होता रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात नहीं, क्योंकि आप मुझे कह देंगे कि जब आपको सूट करता है क्या करता है, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं हम लोग और जमीन की यही पुकार है कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तब तक 2 दिन है, देखो मीडिया में भी सब नेता सब पार्टियां करती रहेंगी अपनी अपनी बातें, तो ये तो चलेगा, 2 दिन चलेंगे मीडिया में सब चीजें। जम्मू कश्मीर के लिए भी एनसी और कांग्रेस को बड़ा वहां पर भी बढ़ कह रही है कि अगर हमें समर्थन करना होगा पोस्ट पोल अलायंस तो वो इंडिया गठबंधन के साथ एनसी और कांग्रेस साथ कर सकती है, आपको क्या लगता है क्या कांग्रेस भी पीडीपी के साथ वहां पे गठबंधन कर सकती है? देखो बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ही एक वायबल पार्टी है जो देश को चला भी चुकी है और लोग भी देखते हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी घटक कांग्रेस पार्टी है, हमारा इतिहास भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा फ्यूचर भी है। जो ये बातें हैं गठबंधन की, देखो ये एक लेवल पर समय के मुताबिक तय की जाती हैं। इंडिया गठबंधन है ये एक सच्चाई है और हर जगह हर स्टेट में क्या स्थिति पैदा होती है और क्या पुकार है वहां की, उसको देखते हुए फैसला लिया जाता है और जम्मू कश्मीर में हमें विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी। कब क्या हो उस पर मैं आज स्पेक्यूलेट नहीं करूंगी, मुझे विश्वास है कि हमारी बनेगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।